अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के हवाले से डेंगू के ऊपर। उसके साथ सबसे बड़ी अपडेट ये आई है कि इस वक्त पोलियो सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो एक तरमीम आई है पोलियो सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इससे पहले सरकारी अस्पतालों में जो है वो ये पोलियो सर्टिफिकेट बनाए जाते थे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में भी ये सर्टिफिकेट बनाए जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंज आई है कि इसको भी कोरोना की वैक्सीन की तरह पोलियो वैक्सीन को भी ऑनलाइन किया गया है और इसका सर्टिफिकेट भी बनता है। इसके बाद जो है वो डेंगू के हवाले और उसके साथ साथ मुख्तलिफ और जो है वो सवाल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़ाहद मनीर, जो कि डेंगू को और उसके साथ साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के बहुत सारे मामलों को देखते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को बताते हैं डॉक्टर साहब के इस वक्त जो पोलियो का सर्टिफिकेट जो बनाना है वो एक बड़ा मसला बन चुका है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लोग सरकारी अस्पतालों में जाते हैं और सरकारी अस्पतालों में पोलियो सर्टिफिकेट तो बना दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसकी ऑनलाइन अथॉरिटी उनके पास नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर के पास, अगर लाहौर की बात करें तो ये बता दें कि शहरियों को क्या करना है जो बरूने मुल्क जाने वाले हैं, जिनकी कल जो है वो फ्लैट है और आज उन्होंने सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसके लिए आप हमें बताएं कि प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है उन्होंने। जी, इसका प्रोसीजर ये है कि वो जो शहरी जिसने बरूने मुल्क जाना है वो अपना शनाख्ती कार्ड और अपना पासपोर्ट जो है वो लेके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का दफ्तर है कूपर रोड, यहाँ पर वो आए, उसका सारा डाटा जो है वो लिखा जाएगा, उसको दो कतरे पोलियो ड्रॉप्स के पिलाए जाएंगे और उसका जो डाटा है वो फौरी तौर पर ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उसका एक मैसेज उसको रिसीव होगा, वो किसी जगह से भी किसी भी नेट कैफ़े से वो डाउनलोड करवाएगा और वो डाटा वो जिस एयरपोर्ट पे जाएगा वो डाटा वहाँ पर उसको ऑनलाइन शो हो जाएगा सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट एक साल के लिए बनेगा। जी, ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दें कि इसमें इस वक्त अस्पताल जो है मुख्तलिफ टीचिंग अस्पताल लाहौर के, वहाँ पर भी ये पहले आपने उनको अख्तियार दिया था कि आप सर्टिफिकेट पोलियो बना दें, वो पोलियो सर्टिफिकेट तो बना देते हैं लेकिन उनके पास ऑनलाइन जब इंट्री डालनी है तो वो उनके पास एक्सेस नहीं है, तो अब वो तो फिर वैलिड नहीं रहा। हाँ जी, वो पहले हॉस्पिटल में एक येलो कलर का कार्ड बनता था मियाँ साहब, लेकिन अब वो वैलिड नहीं है, अब उसके लिए ज़रूरत भी नहीं है वहाँ जाने की, अब वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को ये पावर्स डेलीगेट की गई है और हम ही उसको ऑनलाइन कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़िर, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो है वो ये एक फ्रॉड भी चल रहा है। आपके अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता दूं कि सिविल एविएशन की जानब से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है कि जो है वो मुख्तलिफ ऐसे लोग जो कि पोलियो सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करने के हवाले से जो है वो लोगों को कार्ड बनाकर दे रहे हैं, वो एक फ्रॉड है, सिविल एविएशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने प्रेस रिलीज में ये भी कहा कि अगर आपने पोलियो सर्टिफिकेट बनाना है और पोलियो सर्टिफिकेट ज़रूरी अगर है तो आपको फौरी तौर पर जो है वो मुतलका अपनी एयरलाइन से रब्ता करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं। अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं और उमरा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पोलियो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इसी तरह अगर मुख्तलिफ ममालिक में आपने विजिट करना है तो उसके लिए आप अपनी मुतलका एयरलाइन से रब्ता करें। तहम पाकिस्तानियों के लिए मैं आपको ये एक बात बता दूँ कि ये ज़रूरी है पोलियो सर्टिफिकेट, WHO की जानब से जारी किया गया था पाकिस्तान को। ये जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के जो शहरी हैं जो बैरूने मुल्क सफर करते हैं उनके लिए पोलियो सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है, लेकिन अब ये पोलियो सर्टिफिकेट जिस तरह डॉक्टर जहा साहब ने बताया कि अब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में, अगर आप लाहौर में रहते हैं या इर्द गिर्द में रहते हैं लाहौर में आकर यहाँ से बनवा सकते हैं, अगर आप पंजाब के दीगर जिला में किसी और जिले में या शहर में रहते हैं तो वहाँ की मुतलका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के पास आप जाएंगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और भी आपको बता दूँ कि आप खुद भी जो है वो ये सर्टिफिकेट जो है वो जो एक निम्स की एक वेबसाइट है जहाँ से कोरोना का सर्टिफिकेट बनता था, वहाँ पर सारा डाटा ऐड करके आप खुद भी बना सकते हैं और आपको तकरीबन 1 या 200 रुपये फीस है, वो आप अपने क्रेडिट कार्ड से वहाँ पर इंटर करने के बाद ये आप बना सकते हैं अगर आपको खुद बनाना है तो। डॉक्टर साहब, ये एक है मामला कि अब आपके पास ये सारा अख्तियार चला गया, तो आप फिर अस्पताल वालों को एक खत लिख दें क्योंकि वहाँ पर लोग जाते हैं फिर आपके पास आते हैं, तो इसका कोई फैसला होगा? जी, इसका ये है जी कि अगर ज़्यादा रश बढ़ा तो हम सोच रहे हैं कि ये जो मतलब ऑनलाइन करने की एक्सेस है ये हम डिफरेंट जो आपके जो ऑफिसेज हैं बिल्कुल उनको दे दें। हाँ जी, DHOMS का ऑफिस है या DHGC है, हम इनको डेलीगेट करते हैं, ठीक है, ताकि मजीद रश से हम इसको। अच्छा, जब आप ऑनलाइन कर देंगे और सर्टिफिकेट बनेगा जी, एक साल के लिए बनेगा? जी बिल्कुल। इसके अलावा जी ये है कि वो इसकी पहले तो ये होता था कि वो जो कार्ड होता था वो समटाइम्स वो उसको ऑथोराइज नहीं होते थे, लोगों ने अपने पास से वो कार्ड बना लिए थे, इस वजह से इस सारे एरर को नलीफाई करने के लिए ये ऑनलाइन डाटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी एक क्लियर कर दें
डॉक्टर साहब, क्योंकि सिविल एविएशन की जानब से भी एक प्रेस रिलीज जारी हुई है कि पोलियो का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। पोलियो का सर्टिफिकेट तो WHO की जानब से उस वक्त जो ये जारी किया गया था कि ज़रूरी है, ये अभी तक इसी तरह यह ज़रूरी है? नहीं, पोलियो तो सर है ही ज़रूरी, क्योंकि पाकिस्तान से अभी रेडिकेट नहीं हुआ। नहीं सर, पोलियो रेडिकेट ही, पोलियो तो अभी है, अभी पोलियो तो है, पोलियो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मुल्क हैं जहाँ पर अभी पोलियो है, और यहाँ ये अभी इसको ये चलेगा अभी इसी तरह निज़ाम। तो इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है, आपके जो पोलियो को जो है वो आपके जो नमूने लेकर? लाहौर हमारा जनवरी के बाद अभी तक सारे माहौलियाती नमूने जो थे वो नेगेटिव। तो डॉक्टर साहब, ये कई दफ़ा हो जाता है नेगेटिव, लेकिन फिर सरप्राइज या अचानक आप कह लें कि फिर पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या ये वायरल होता है इन्फेक्शन या कैसे? इसका ये जी के समटाइम्स ये पिशावर KPK या ये एजेंसी या अफगानिस्तान से जो ज़्यादातर हमारे बच्चे आते हैं वो कई दफ़ा वहाँ पर चूंकि पोलियो के कतरे नहीं पिए होते, वो यहाँ पर आके जब वायरस आ जाता है। और आप कहते हैं कि जब तक पूरे पाकिस्तान से ये वायरस खत्म नहीं होता तो लाहौर से भी खत्म नहीं हो सकता? हाँ जी, वो वायरस की ट्रांसमिशन रोकने के लिए हमने डिफरेंट लारी अड्डा, जो रेलवे स्टेशन, यहाँ पर इवन एयरपोर्ट पर भी हमने टीमें बिठाई हुई हैं ताकि जो पैसेंजर्स का आउटफ्लो या इनफ्लक्स है वहाँ पर उनको कतरे पिला दिए जाएँ ताकि वायरस की जो ट्रांसमिशन है वो डिफरेंट शहरों में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कितना खतरनाक है जी पोलियो? खतरनाक है, खतरनाक पोलियो बहुत खतरनाक है जी। पोलियो जब एक दफ़ा हो जाता है वो बच्चा जो है वो सारी उम्र के लिए अपाहिज हो जाता है, और उस मतलब वो एक मतलब ये वो एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है जिसको हम वैक्सीन से अपनी आने वाली नस्ल को हम दो कतरे पिलाने से बचा सकते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब आप देखें ना कि जदीद दौर आ गया, अब तो अब हम क्या पत्थर के ज़माने में रहते हैं, अभी भी लोग अभी भी आप समझते हैं कि इसका रिफ्यूज़ल है जी? बिल्कुल, इसका क्या वजह है? इसका बिल्कुल साइलेंट रिफ्यूज़ल्स हैं जी। माँ बाप कई दफ़ा बच्चों को, टीमें हमारी जाती हैं पोलियो कम्पेन के दौरान, और बच्चों को छुपा लिया जाता है। मुझे अभी भी याद है कि पिछली दफ़ा जो पोलियो का केस आया तो उसमें जब वो पूछा गया, टीम जाती थी, दरवाज़ा खटखटाती थी, वो कहते जी हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है 5 साल, हालाँकि वो बच्ची उसी घर में थी, माँ ने नहीं बताया, जिसकी वजह से वो बच्ची पोलियो का शिकार हो गई। वो बच्ची जी, और अब अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्ची को पोलियो हो जाता है तो उसके बाद उसका इलाज मुआवजा है? नहीं जी, उसका इलाज मुआवजा नहीं है, उसका बस रिहेबिलिटेशन है कि उसको किसी तरह एक यूजफुल। अगर खुदा ना खास्ता बच्चा पाहज हो गया तो फिर वो ऐसे ही रहेगा जी? वो ऐसे ही उसकी। तो इसका जब आपको कैसे पता चलता है कि ये बच्चा पोलियो, आप पोलियो का वेरीफाई केस कैसे है? सर, पोलियो के जो सैंपल्स हैं वो हम उस बच्चे के जो स्टूल सैंपल हैं वो हम भेजते हैं इस्लामाबाद, वो लैब से वहाँ से। नहीं, आपको सबसे पहले ये बता दें कि आपको कैसे पता चलता है कि फलां टाउन DGBT में या किसी गुलबर्ग टाउन में एक बच्चा है उसको पोलियो का शक पड़ा है? आपको कैसे, अस्पताल से पता लगता है या घर से पता लगता है, या बच्चा अस्पताल में जाता है तो वहाँ से फिर आपकी टीम को पता लगता है? नहीं, वो बच्चा हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाके वो बताते हैं जी कि ये बच्चा जो है वजन नहीं डाल रहा टांग पे या इसकी टांग जो। तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी आपको कैसे इन्फॉर्मेशन? सर, हमें वो हॉस्पिटल से डाटा आता है, हम उसको फॉलो अप करते हैं, फिर उसका स्टूल सैंपल्स हैं वो हम भिजवाते हैं, उस स्टूल सैंपल्स में जब पोलियो की डायग्नोसिस आ जाता है तो फिर। ठीक है, ये जो स्टूल सैंपल है ये आपके पास लाहौर में लैब है या आप कहाँ पे ये भिजवाते हैं? ये सर इस्लामाबाद में लैब है और इस्लामाबाद से इसका वहाँ से ये। अच्छा, कितनी देर में ये आपका आ जाता है वापस ये सैंपल? ये तकरीबन इसमें तकरीबन कुछ माह लगते हैं जी, कुछ वीक्स। ठीक है, फिर अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना, कई दफ़ा हम खबरें देते हैं, तो इसकी अकसाम भी हैं पोलियो की? पोलियो मेलाइटिस, हाँ जी, पोलियो की डिफरेंट हैं टाइप्स, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं जो पोलियो का कतरा नहीं पीते। नहीं, वो स्टेज बताते हैं ना केस, जब हम कई दफ़ा होता है कि पोलियो के साथ पोलियो की वो सारी अलामत होती है लेकिन वो पोलियो केस नहीं होता। नहीं, वो बिल्कुल जी, वो पोलियो का वायरस जब उसमें डिटेक्ट होगा तो समटाइम्स देयर इज न्यूरोनल वीकनेस होती है, किसी वजह से उस कोई और वजह होती है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो टांग पे वजन नहीं डाल रहा है, कोई उसको पैरालिसिस हो जाता है, कोई और वजह हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि उसको। और फिर जब इस्लामाबाद से आप ये वेरीफाई हो जाता है, केस जी, तो फिर आप उसको पोलियो का केस डिक्लेयर कर देते हैं जी। लेकिन लाहौर में अल्लाह का शुक्र है, पंजाब में अभी तक कोई ऐसी बात खतरे की बात नहीं। ठीक है, रवा साल अभी तक कोई केस नहीं? हाँ जी सर। तो पिछले साल क्या सूरत हाल थी? पिछले साल थे लेकिन पंजाब में नहीं था, वो 2022 में, लेकिन हमारे तो भी जो एनवायरमेंटल सैंपल्स हैं वो भी हमारे जनवरी के बाद हमारे एनवायरमेंटल सैंपल्स में। डॉक्टर साहब, एक आधा केस ही पोलियो को जब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक शुरू हो जाती हैं बातें तो शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो डिपार्टमेंट भी बड़ा अलर्ट हो जाता है, तो ये एक केस आप समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है जी?
एक भी नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल। जिस तरह आपने मीजल के केस आ जाते हैं उसके साथ निमोनिया के केस आ जाते हैं, डेंगू के भी केस बहुत सारे आ, लेकिन ये पोलियो का एक केस भी आ जाए तो पूरा डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट लेवल तक बातें फिर जो है होती है कि ये क्यों हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, पोलियो का केस जो सा होता है ना जी, वो उसके लिए ये है कि जब भी जैसे ही ये माइग्रेशन होती है, ये अफगानिस्तान से ये 5 साल से छोटे बच्चे जब इधर को ट्रैवल करते हैं पंजाब की तरफ, और जब जहाँ पर आके वो रहाइश पजीर होते हैं, तो वो बच्चे पोलियो का वायरस वहाँ पर चूँकि वैक्सीनेट नहीं होते, जिसकी वजह से पोलियो का वायरस जो है ना वो ट्रांसमिशन एक शहर से या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में होती है, और ये बड़ा ख़तरनाक बीमारी है जी इस वजह से, क्योंकि ये एक परमानेंट डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ बच्चे के साथ रहना उसने और उसी तरह उसने लाइफ गुजारनी है कि अगर बर वक्त अगर आप पोलियो वैक्सीनेशन कर लें तो उससे कैसे, फिर आप ये भी बता दें लोगों को कि अगर पोलियो वैक्सीनेशन अपने बच्चों की आप करवा लेते हैं तो उससे कैसे पोलियो की वैक्सीन बचाती है। देखिए जी, पोलियो की जो वैक्सीन है वो पोलियो के खिलाफ जो इम्यूनिटी है वो बच्चे के अंदर इन्हांस करती है, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है ना पोलियो वायरस का शिकार नहीं होता। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि ये वैक्सीन जो है वो इसको आप ये कह लें कि उसके ऊपर ये सवाल उठाते हैं कि ये ठीक नहीं है या अपनी एफिकेसी खो देती है, तो आप हमें बताएं कि ये वैक्सीन आप किस तरह महफूज रखते हैं, कहाँ से आती है, और ये वैक्सीन आप हमें ये भी बताएं हमारे नाज़रीन को कि आप प्रॉपर एक कोल्ड चेन के ज़रिए से लेकर जाते हैं घर का और वहाँ पर जो है वो बच्चों को ये वैक्सीन पिलाते हैं पोलियो जी की। बिल्कुल, पोलियो की जो वैक्सीन है इसमें जो कोल्ड चेन की मैनेजमेंट है जी, वो पोलियो की वैक्सीनेशन की ना जी, इसकी कामयाबी की यही एक निशानी है कि इसकी जो वैक्सीन है उसको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसके लिए यहाँ से एक वैक्सीन कैरियर होते हैं, उनके अंदर आइस पैक्स होते हैं या वो उनके अंदर हम इनको ये करते हैं, ट्रैवल जब जाना होता है तो उसके अंदर वो टीमें जो होती हैं ना वो हमारी लेके जाती हैं। बिल्कुल, हमने बड़ी दफ़ा पहले भी इससे प्रोग्राम किए, ज़ाहिर आप तो अब सीट पर बैठे हैं, इससे पहले तो कोल्ड चेन सिस्टम आपका इतना बरकरार नहीं होता था, वहाँ पे जो है वो फ्रिज पुराने थे, फिर उसके वहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर आपके थे, अब क्या सूरत है? हालांकि अभी जदीद दौर में आपने भी कोई तरक्की की है, आपके महकमे ने कोई रेफ्रिजरेटर्स की तादाद बताई है, क्योंकि आपकी फ्रिजें ज़्यादा बनी हैं। जी जी बिल्कुल, इसके लिए हमारे जो ILR हैं उनको बेसिकली हम ILR कहते हैं, और ILR के अंदर एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर ये वैक्सीन जो है ये स्टोर की जाती है, और उसके अंदर एक फ्रिज टैग होता है जिसके ऊपर वो ILR का टेम्परेचर जो होता है ना वो मैंशन हो रहा था, और अगर लाइट कम ज़्यादा हो या लाइट ना आए तो वो ILR टेम्परेचर से पता चल जाता है कि ये पोलियो की वैक्सीन जो है वो ख़राब तो नहीं हो गई या उसका टेम्परेचर जो है वो इस वक्त आपका थोड़ा सारा वो हमारा जी मेंटेन है, कोल्ड चेन का हमें कोई इशू नहीं, हमारा ILR प्रॉपर है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चूंकि इस वक्त बारिशों का सिलसिला है, मानसून पूरा चल रहा है, मानसून के बाद भी सिलसिला सारा चल रहा है, तो पानी खड़ा होता है, डेंगू कैसे आप कंट्रोल करेंगे? डेंगू भी क्योंकि ऐसा मर्ज है कि जब से आया पाकिस्तान में तो ये इसके भी मरीज आते हैं हर दफ़ा, तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आ रहे हैं जी। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर मेरे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, प्रिवेंशन का जो है वो ज़्यादा इनका काम है, किस तरह बीमारियों की रोकथाम करते हैं, और इस वक्त सबसे बड़ा मसला अगर लाहौर की बात करें तो बल्कि हर दफ़ा ही होता है कि जैसे ही बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो डेंगू फैलने का भी खदशा होता है, तो इस वक्त सबसे पहले डॉक्टर ज़ाहिद साहब से पूछते हैं कि डेंगू लार्वा क्या अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में डेंगू लार्वा पैदा हो रहा है, और डेंगू के केसेस कितने हैं? चूँकि ये भी जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में आया था तो इसने भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, उस वक्त इसके ट्रीटमेंट का भी नहीं पता लग रहा था कि ये कैसे होता है, आज भी अगर किसी को खुदा ना खास्ता डेंगू हो जाए तो उसी को पता होता है कि उसके साथ क्या बीती है। डॉक्टर साहब, डेंगू भी एक बड़ा जालिम बुखार है, जिस बेचारे को होता है उसे ही पता लगता है कि उसके साथ क्या उसका हशर नशर हुआ है। जी बिल्कुल ऐसी है। तो आप इस वक्त क्या सूरत है, कितने मरीज है लाहौर में जो रिपोर्टेड हैं, जो वाकई जिनको कहा जा सकता है ये डेंगू है? डेंगू के इस वक्त लाहौर में जी 100 कन्फर्म पेशेंट्स हैं। कन्फर्म पेशेंट तीन तरह के होते हैं, एक सस्पेक्टेड, प्रोबेबल और कन्फर्म पेशेंट। जो जो पेशेंट आउटडोर में पेशेंट्स आता है या क्लिनिक्स पे आता है वो ज़्यादातर अपनी इलामत बताता है, इलामत की बेस पे हम उसे कहते हैं ये सस्पेक्टेड पेशेंट है, फिर हम उसका CBC वगैरह करवाते हैं, CBC पे उसकी जब प्लेटलेट काउंट उसका कम होता है तो हम उसको कह देते हैं ये प्रोबेबल पेशेंट है, जब उसका हम NS1 करवाते हैं या PCR करवाते हैं तो उसमें अगर उसका टेस्ट जो है ना ये पॉजिटिव आ जाए तो हम उसको डेंगू का कन्फर्म पेशेंट लेबल कर देते हैं, जो कि इस वक्त लाहौर में
100 कन्फर्म पेशेंट। डॉक्टर साहब ऐसे ये डेंगू खतरनाक बुखार है जी? डेंगू इज ए बोन ब्रेकिंग डिजीज और डेंगू बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमार है जी, बुखार है। और इसमें अगर खुदा न खास्ता किसी को ब्लड प्रेशर हो, किसी को शुगर हो या किसी को लिवर का कोई प्रॉब्लम हो, उसको साथ ये एसोसिएटेड डेंगू फीवर हो जाए तो उसको उसको वाकई एक जानलेवा किस्म की। तो डॉक्टर साहब ये कितने रोज़ तक, जब आम बुखार हमें हो जाए तो हम तो जो है वो उसे बॉदर भी नहीं करते, हम कहते हैं कि घर में पैनाडोल लेके और उसे एक दो दिन रेस्ट करते हैं ठीक हो जाते हैं, तो ये तो इस तरह ठीक नहीं हो सकता बंदा, कितने दिन लगते हैं ये? इसमें कम से कम जी 2 वीक्स लगते हैं। लेकिन इस बुखार में ये होता है जी कि बुखार होता है उसके बाद ना जिस्म पर रेडिश स्पॉट्स जो उनसे ना जी वो नमदार होना शुरू हो जाते हैं, उसकी आंखों के पीछे जो उनसे रेट्रो ऑर्बिटल पेन शुरू हो जाती है, उसकी जिस्म के अंदर एक दर्दें शुरू हो जाती हैं, ऐसी शदीद किस्म की दर्द, जैसे इसको कहते ही एक बोन ब्रेकिंग डिजीज है जी। ठीक है। तो इसमें शदीद किस्म की नकाहत शुरू हो जाती है, इंसान चल फिर नहीं सकता, और जब उसका टेस्ट कराया जाता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो टेस्ट फौरी तौर पर किसी पेशेंट को जी डेंगू उसके होता है और वो आप अवेयरनेस दें, आप बताएं कि कौन कौन सी इलामत हो सकती हैं उसमें कि डेंगू बुखार की ये इलामत हैं जी। सबसे पहले तो जी उसको हाई ग्रेड फीवर होगा, इसके अलावा उसको जिस्म के ऊपर उसके रेड कलर के जो धब्बे हैं, जो निशान हैं, वो पड़ना शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे। इसके अलावा उसको एक शदीद किस्म का दर्द जो है, जो आम बुखार में इतना शदीद दर्द नहीं होता जितना डेंगू के पेशेंट को शदीद दर्द होता है, और ये सारी इलामत जब हों और जब वो बुखार उसका ना उतरे और उसको फिर उसका जो टेस्ट कराया जाए और उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो उसके जो हैं वो कम होना, CBC काउंट में कम हों उसके प्लेटलेट्स, हम उसको डेंगू की तरफ उसका ट्रीटमेंट शुरू करते। तो इसका NS1 जो टेस्ट है ये क्या है? ये NS1 जी ये एक टेस्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेंगू के कन्फर्म पेशेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, ये आम किसी और टेस्ट में नहीं। सबसे पहले CBC होता है? सबसे पहले हम इसका इलामत देखते हैं, फिर उसका CBC करवाते हैं, फिर NS1। वो जो आपने एक फ्री किया हुआ है जी वो कौन सा है? वो 100 रुपया था उसकी PCR टेस्ट है जी, वो 90 रुपए का टेस्ट है जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब आते हैं हम उसके ऊपर के लार्वा कैसे बनता है जी, क्योंकि इस वक्त बारिशों का सिलसिला, रोज लाहौर में बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, लार्वा किस पानी में, हमें ये भी आज क्लियर कर दें कि ये खड़ा पानी, गंदा पानी, साफ पानी, किस पानी में लार्वा पैदा होता है? हमें कई दफा बताया आपने कि जी साफ पानी हो उसमें होता है, क्या बारिश का बाहर खड़ा पानी उसमें भी लार्वा पैदा हो सकता है जी? ये डेंगू का जो मच्छर है ना जी, इसका जो लार्वा है ये 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 साफ पानी में ये फ्लरिश करता है जी, पैदा होता है। जो फ्रिज की ट्रे है अक्सर हम उसको मतलब साफ़ नहीं करते, या ऊपर जब बारिश हुई है छतों के ऊपर वो पानी इकट्ठा हो जाता है, या टायर्स हैं पुराने टायर पड़े हुए हैं, या जंक यार्ड हैं, या गमले हैं, इसी तरह के इस जो स्पॉट्स हैं जहाँ पर ये पानी जो उनसे इकट्ठा हो जाता है, तो उसके अंदर ये डेंगू का लार्वा। और ये बड़ा, अगर आप इसको देखें तो ये बड़ा मतलब नेकेड आई से ये बड़ा शार्पली मोटाइल आपको आपको एक बड़ी तेज़ी से एक हरकत करती हुई चीज़ पानी में महसूस होगी और वो डेंगू का लार्वा होगा। तो डॉक्टर साहब आपकी जो टीमें हैं वो कैसे डिटेक्ट करती हैं पानी के अंदर लार्वा, कैसे पकड़ सकती हैं वो जी? इसका यही है जी कि इसके हमने एक मतलब बना दी हैं, एक SOPs बना दी हैं, पैरामीटर्स बना दी हैं, इनके हमने एक हॉटस्पॉट्स बना दिए हैं कि आपने ये चीज़ें चेक करनी है जहाँ पर पानी कट, जैसे फ्रिज ट्रे है, जैसे गमले हैं, जैसे टायर हैं, जैसे कूलर हैं, AC के बर्तन हैं, बर्ड पॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर पानी जो सा ना जी जो घर वालों के, असल में ये जिम्मेदारी मैं इस तरफ भी आता हूँ, लेकिन मेरा उससे पहले ये एक बड़ा सवाल मैं आपसे करूँगा कि आपकी कितनी टीमें हैं, घर वालों की क्या जिम्मेदारी है, टीम की क्या जिम्मेदारी है, ये भी आप बात करेंगे, ये भी पूछूंगा कि बाज़ दफ़ा आपके वर्कर्स के साथ घर वाले तावन नहीं करते, बदतमीजी करते हैं, ये भी मैं बात करूँगा, लेकिन उससे मैंने पहले मुझे ये बता दें कि मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जब लार्वा से मच्छर बन गया तो उसके बाद तो आप उसे क्या कर सकते हैं, स्प्रे करेंगे, फिर जब मच्छर बन गया फिर तो आप उसे जो है वो तलफ नहीं कर सकते, या मच्छर को भी तलफ कर सकते हैं? नहीं, जब क्योंकि पहले आप मुख्तलिफ द्वार रहे हैं इसके, स्प्रे भी किया जाता था, फिर साथ साथ थ्योरी चेंज होती रही कि जी स्प्रे डीजल डाल के करेंगे तो वो खतरनाक है, इस तरह की बातें हमने सुनी हैं। अब एग्जैक्ट जो अपडेट जो है वो तरीका क्या है कि डेंगू मच्छर को, अब अपडेट लार्वे की बात नहीं कर रहा, मच्छर की, मच्छर का तो यही है जी कि जब वंस ये मच्छर बन गया जी तो इसके लिए फिर हम इसको मतलब स्प्रे या फोग से
या फोक्स यानी फिर शेयर नहीं करना जो करना यानी मच्छर लड़े लड़े फिर तो जी वो हमारे हाथ से वो बात जो निकल गई है निकल, हाँ, वो तो स्प्रे अगर जो करते हैं घरों में तो उससे ये मर जाता है कि नहीं? जी बिल्कुल, जब हम उसको IRS करते हैं या हम ये जो अल्फा सपरमेथ्रिन ये हमारी दवाई है ये जब हम छिड़कते हैं तो उससे ये जो ना ये कंट्रोल हो जाता है। ठीक, अच्छा अब हम आते हैं कि लार्वे को तरफ करने के लिए आपकी इस वक्त कितनी टीमें हैं और फिर आगे बात करेंगे कि लोग तावन नहीं करते घरों में आप भेजते हैं बेचारे वर्कर जाते हैं आगे से बदतमीजी की जाती है। इस वक्त कितनी टीमें हैं डेंगू की पूरे लाहौर में? जी पूरे लाहौर में इस वक्त 1040 के करीब इंडोर टीम्स हैं। ठीक है, तीन तरह की हमारी टीम्स हैं, एक इंडोर टीम्स, एक आउटडोर टीम्स और एक हमने ना हर टाउन में एक स्पेशल स्क्वाड बनाए हुए हैं। ठीक है, इंडोर टीम जो हैं वो 1040 हैं, आउटडोर टीम 400 हैं और इसके अलावा 25 के करीब हमने स्क्वाड बनाए हुए हैं जो कि टाइम टू टाइम जाके। ठीक, अच्छा यहाँ पर हमारे नाज़रीन को आप ये भी बता दें कि इस वक्त डेंगू की लार्वा कितना आपने डिटेक्ट कितना आपने तलफ किया है? जी तादाद कितनी है? जी डेंगू का जो लार्वा इस वक्त हमने तलफ किया है वो तकरीबन 57,000 हमने जो डेंगू का लार्वा है जिसमें 53,000 इंडोर लार्वा है। और अच्छा आप निकाल के तो फिर इसको कैसे करते हैं तलफ? ये हम इसको निकाल के जी इसको पानी से वहाँ से निकाल लेते हैं, निकाल के फिर हम बोटल्स में डाल के इसको हम IPH एक हमारा डिपार्टमेंट है जी वहाँ भेजते हैं, वहाँ पर उसकी फिर इसकी हम स्ट्रेन चेक करते हैं कि ये डेन 1 है डेन 2 और डेन 3 है। अच्छा इसकी रिसर्च होती है पूरी? जी बिल्कुल, इसकी रिसर्च होती है कि इसके अंदर किस किस्म का वायरस है जो कि मतलब ठीक है डेंगू के वहाँ पर फिर पता चलता है कि जी कौन सा आ जाए। अभी उसके ऊपर जब आप बता रहे थे कि आपकी मुफसल टीमें हैं आउटडोर इनडोर तो तादाद आपने बताई मेरे अभी कितनी है? हमारी 1040 के करीब इनडोर टीम। ठीक है, और ये टीम जो सी हैं ये अकॉर्डिंग टू द माइक्रो प्लान, इनको एक माइक्रो प्लान, ये 7 दिन का इनको माइक्रो प्लान है। कुछ यूसीज हैं जहाँ पर पेशेंट आए हुए हैं उनको हमने अलहदा कैटेगरी में रखा हुआ है, कुछ जो से हैं जहाँ से पेशेंट नहीं आए उनको हमने अलहदा कैटेगरी में रखा हुआ है। अच्छा जिस घर के अंदर आपको कोई मिल जाता है, अब मुझे ये बता दें कि आपको कितनी की शिकायत मिलती है? ये वर्कर कहते हैं जी इनके साथ तावन नहीं करते लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, वर्कर जाते हैं दरवाज़ा नहीं खोलते, दरवाज़ा खोल देते हैं तो फिर उसके बाद वो कहते हैं जी आपने यहाँ तक जाना है, आपने हमारे घर के अंदर नहीं आना, हमने बस निकल जाए। आपने घर के अंदर कौन कौन सी प्रोग्राम के अंदर बता दें ताकि लोगों को पता लग जाए ये प्रोग्राम के जरिए से कि आपने क्या क्या चेक करना वहाँ पे आपके वर्कर कर सकते हैं? जी हमारी इंडोर टीम्स को जी हमने ट्रेनिंग दी होती है कि इन्होंने जाके फ्रिज ट्रे जो सी है जो कि लोग। अच्छा फ्रिज ट्रे के अंदर भी लार्वा हो सकता है? जी बिल्कुल, फ्रिज ट्रे के अंदर पानी जो सा ना जी वो ज़्यादातर लोगों की आंख से ना जी वो ओझल रह जाता है। अच्छा उसको भी साफ करें आप? उसको ये पानी निकाल के उसको स्क्रब करते हैं ताकि दोबारा से, और घर वालों को भी अवेयरनेस देते हैं कि जी आपने ये खुद भी ये चीज़ें देखनी है। इसके अलावा वाटर ड्रम्स हैं जहाँ पर कई लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं उनका भी वो पानी जाके उनमें देखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मतलब जो AC हैं, गमले, कूलर्स हैं, गमले हैं, इसके अलावा छतों के ऊपर। डॉक्टर साहब ये समझ नहीं मुझे आई, मैं ये समझना चाहता हूँ कि लार्वा कैसे बनता है? लार्वा सर ये लार्वा बेसिकली कोई मच्छर वहाँ पे अंडे देता है, कैसे बनता है? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जी कि ये बेसिकली एडीज एजिप्टाई एक मॉस्किटो है जो कि अंडे देती है, जहाँ पर अंडे होते हैं उनमें से वो जब एक कंड्यूसिव वेदर शुरू होता है जैसे ये मानसून वेदर शुरू हो गया उसके साथ बारिश आई पानी आया और वो टेम्परेचर तो फॉल हुआ तो उसमें से फिर हैच आउट शुरू हो जाता है। जब पानी से वो एक मतलब उसको टच हुआ एग को तो वहाँ से फिर ठीक है लार्वा बनता है। तो एक तो ये है कि देखें जी जो वर्कर आते हैं उनको चेकअप आप अपने घर का करवाएँ क्योंकि SOPs के तहत तो फिर जो है वो ये कानून बना हुआ है। तो डॉक्टर साहब अगर कोई आपको रिफ्यूज़ करता है कि नहीं करना मैंने चेकअप तो फिर उसके ऊपर चेक नहीं करवाता अपना घर तो आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए हमें इनडोर जो हम जो घर हैं उनके लिए तो हम उनको उनके ऊपर रेड स्टिकर हम पेस्ट कर देते हैं कि जी ये यहाँ रेड लार्वा मिला जी, उसके लिए रेड स्टिकर्स हैं वो हम घर पर पेस्ट कर देते हैं कि जी, और उनको घर वालों को कह भी देते हैं कि जनाब आपके रूम कूलर से ये लार्वा निकला है तो आप प्लीज़ पानी जो सा इसको ना खड़ा होने दें और इसको मतलब ध्यान करें खुद से। ठीक है, और मुकदमात जिनके ऊपर होते हैं कितने मुकदमे कर दिए हैं आपने? हमारे साथ जो आउटडोर स्पोर्ट्स है जो आउटडोर स्पोर्ट्स के आउटडोर स्पोर्ट जो उनसे हैं जैसे ये टायर शॉप्स हैं या होटल्स हैं या इस तरह पार्क्स हैं या ग्रेवयार्ड्स हैं
यहाँ से जब लार्वा मिलता है तो हम इस पे FIR देते हैं। टायरों के अंदर से मिलता है लार्वा अक्सर? जी बिल्कुल, उस पे हम FIR देते हैं। FIR इस वक्त कितने मुकदमा दर्ज किए हैं आपने? हमने तकरीबन जी इस वक्त 2000 के करीब हमारी जो FIR हैं वो चुकी हैं। 60 तो वो अवेलेबल होगा, जाके अगले दिन जमानत करा ली, उनको क्या होगा कि नहीं? जी बिल्कुल वो अवेलेबल तो है, लेकिन ये है कि वहाँ पर उसको पहले ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप उसको सील भी करते हैं उस जगह को ताकि उसका काम भी रुके? जी बिल्कुल, वो एक पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट है। अगर वो जिस तरह क्वैकरी क्वैक को सील करते हैं, जी बिल्कुल, अगर वो एक पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट है, अगर वो हमारी SOP पे हमारे कहने के बावजूद भी अमल नहीं करता, हम उसको सील कर देते हैं। ठीक है, सील कर देते हैं, उसके बाद फिर वो बेल होगी और सारा केस अदालत के और मदई आप होते हैं? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग, मैं अब अगर आप माइंड ना करें तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि लोग हमें बोतल में डालकर लार्वा ले आए, ये ऐसे मुमकिन होता है? नहीं, वर्कर के पास लार्वा आ जाता है बोतल में? नहीं जी, नहीं ऐसे नहीं होता। असल में ये लार्वा वहीं से वहाँ से डिटेक्ट होता है। हम उस घर के मेम्बर को या उस फैक्ट्री ओनर को साथ लेके जाते हैं कि जी आए हम आपको, उनका एक बंदा साथ होता है। इस तरह नहीं होता कि आप जाके और आपने वहाँ पे आदमी साथ होता है, वो हमें विजिट करवाता है। विजिट कराने के दौरान उसको बताते हैं कि जी ये देखें, यहाँ से फैक्ट्री से या यहाँ से टायर शॉप से ये लार्वा। क्यों नहीं, ये कब से ये कर रहे हैं? तो अभी भी आपने बताया कि मुकदमात भी हुए हैं, रोज आपने जो है पकड़ते भी हैं, टायरों के अंदर पकड़ते हैं, तो फिर इसके बावजूद भी जो है वो क्यों रही? कई दफ़ा तो मैंने देखा कि सरकारी इदारों से भी पकड़ा गया। जी ये इसमें बेसिकली जी ये महकमा सेहत के अलावा जो डिफरेंट हमारी जो आवाम है उनका भी ये फ़र्ज है कि ये अपनी चीज़ों को देखें। जी सफाई निस्फ दीन ईमान है, और हमारे लोगों को भी चाहिए कि ये जो अपनी चीज़ें जो चाहिए वो अपने घरों में पानी ना इकट्ठा होने दें या ढांप के रखें। लोग कहते हैं जी क्या क्या करें, पोलियो कचरे पिलाएं इनको, डेंगी वाले जब आते हैं इनको घर चेक कराएं, फिर वो कहते हैं जी क्या क्या करें? देखिए मियां साहब, इंसान को अपनी सेहत के लिए तो सेहत कहते हैं जी तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, ठीक है जी, हेल्थ इज वेल्थ। तो डॉक्टर साहब एक दौर था जी आपके जो पोलियो वर्कर थे और डेंगी वर्कर, ये बेचारे जो है वो आपकी फोर्स है, यानी रीढ़ की हड्डी मैं समझता हूँ कि इन्होंने फील्ड में जाना। देखे ना, एक घर को नॉक करके वो पता नहीं कौन है उसको नॉक करके उसके घर के अंदर जाना, पोलियो के कतरे पिलाने या इन्होंने डेंगी चेक करना, तो एक मुश्किल काम है। और ये पब्लिक डीलिंग है, ये इंतहाई मुश्किल होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं। तो इनकी तनख्वाहों का क्या मामला, क्या मैंने ये सुना था कि इनको टाइम से तनख्वाहें मिलती नहीं हैं, अब इनका क्या स्टेटस है? अभी भी जदीद दौर में, अब तो जदीद दौर आ गया, अभी भी इनको तनख्वाहें टाइम से मिलते हैं या अभी भी डिले है? नहीं नहीं सर, इनको तनख्वाहें बिल्कुल टाइम से मिलती हैं, AG ऑफिस के थ्रू इनकी। अब तो आपने डेंगी वर्कर मुस्तकिल कर दिए हैं कई? बिल्कुल बिल्कुल, उनको मुस्तकिल कर दिया गया है और उनको AG ऑफिस के थ्रू तनख्वाह जाती है जी, वो सारे टाइमली उनको पे दी मिलती है सारी चीज़। और ये दोनों ही प्रोग्राम कर रहे हैं, डेंगी कंट्रोल और पोलियो में भी यही वर्कर। इसके अलावा कोई मीजल की खसरे की कंपेन होती है तो उसमें भी हम इनको इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा कोई अवेयरनेस टाइफाइड की, अवेयर जैसे टाइफाइड पिछले दिनों बड़ा फैल गया था उसके लिए भी अवेयरनेस, मतलब ये टीम्स हैं जो कि घर घर मूव करती हैं, इनको अपनी आबादी का लोगों का बहुत ज़्यादा पता होता है। इसके अलावा हमारे इनके साथ डेंगी के स्टाफ के साथ LHVs भी हैं, LHWs भी हैं, तो ये हमारी एक बड़ी टास्क फोर्स है जिसे हम काम। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों को बता दें अवेयरनेस के लिए, क्योंकि डेंगी के साथ साथ मलेरिया का भी पेशेंट आ जाते हैं। जी जी, तो उनको पता नहीं चलता कि मलेरिया क्या है, डेंगी क्या है, तो चूंकि आप प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, आपकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? मलेरिया के भी मरीज आ रहे हैं, डेंगू के भी आ रहे हैं? जी जी, मलेरिया के भी मरीज, टाइफाइड के मरीज भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अभी वो सारे मरीज मलेरिया के इस इतनी ज़्यादा नहीं है जी, वो तो बुखार है वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो हमें कंसंट्रेट फोकस करने वाली मियाँ साहब जरूरत है वो डेंगू है, क्योंकि वो अच्छा डेंगू के ऊपर आप क्या समझते कि अब हम कंट्रोल कर चुके हैं, यानी कि अभी खतरा तो नहीं है, या अभी आने वाले दिनों में ये फैल सकता है या इसका लार्वा आ सकता है? जी मियाँ साहब, इसमें ये है कि मैं आपके चैनल के तवज्जो से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ये मानसून सीज़न है, बारिशों का मौसम है, फ्लड का ख़तरा है, ठीक है ना जी, तो इस सारी सूरत हाल में लोगों को अपनी ज़िंदगी की और इस चीज़ों की बड़ी केयर करने की ज़रूरत है। तो अगर वो अपनी चीज़ों की, इनका सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो नहीं, इस वक्त कंट्रोल है, 100 पेशेंट तो कुछ भी नहीं है जी, इस वक्त पिछले साल की निस्बत इस वक्त जो है जी लाहौर की सिचुएशन जो है। ये कितने साल हो गए डॉक्टर साहब, आप अमूमन अगर बताएं मुझे कि अब कंट्रोल ही रहता है या नहीं, ये बढ़ नहीं जी? पिछली दफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट थे, पिछले साल 2022 में बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जो है जी हम बिलो पिछले साल की नस्बत हम मतलब अगस्त में अभी तक
तो ये इस वक्त पीक है इसकी का नहीं जी, अभी बिल्कुल अभी सीजन अब ये सीजन देखें जी, ये मॉनसून सीजन जुलाई से बारिशों का सीजन शुरू है और ये बड़ा ही कंड्यूसिव वेदर है। इसमें मतलब डेंगू का पूरा मतलब जोबन पर होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस पर कंट्रोल पाया हुआ। तो एक तो आप लार्वा तलफ करते हैं, उसके अलावा आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को घरों के अंदर अपने तौर पर, अगर वो कुछ करवाना चाहते हैं स्प्रे वगैरह, या वो कौन सा ऐसे इकदाम करें? एक तो पानी वगैरह चेक करके रखें, ठीक है, अगर आपके मोहल्ले के घर के इर्द गिर्द खाली प्लाट हैं वहाँ पर पानी खड़ा है, तो उसका बेचारे वो क्या कर सकते हैं, घर वाले उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर स्प्रे कराएं क्या कराएं, ये भी हमें बताएं। इसके अलावा जी जो डिफरेंट जगहों पर पानी खड़ा है उसके लिए एक डीसी साहब एक मीटिंग लेती हैं जी, हमारी डर्क मीटिंग होती है हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी आए होते हैं, वासा वाले, LWMC, सारे डिपार्टमेंट्स, PHA, MCL, ये सारे डिपार्टमेंट्स को जहाँ सड़क पे पानी खड़ा है या जो खाली प्लाट्स हैं वहाँ पर ये वाइल्ड ग्रोथ है या ये जो पार्क्स हैं हॉर्टिकल्चर है, इन सबको वहाँ पर ये सारी एक DVR जनरेट होती है, एक स्पेशल ब्रांच है, वो जहाँ कहीं पानी खड़ा होता है या जहाँ कहीं ये वाइल्ड ग्रोथ होती है या जिस तरह ये चीज़ें होती हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम फौरी तौर पर उन DVRs को जो उनसे रिजॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे वो स्प्रे करते हैं जब वहाँ वो जी जिस डिपार्टमेंट का काम होता है, अगर तो वो वासा की वजह से वो पानी खड़ा है या LWMC की कोताही है या किसी डिपार्टमेंट की है, वो उस वजह से रिजॉल्व कर देंगे उस चीज़। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें थोड़ा सा क्वैकरी के ऊपर ही मैं बात कर लूँ कि अतायत भी जो है वो बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप क्या लाहेमल जो है वो अपनाएँगे, चूँकि बड़ी दफ़ा जो है वो क्वैक को सील भी किया जाता है लेकिन फिर जो है वो आ जाते हैं नई जगह पर अपना अड्डा बना लेते हैं, तो एक मनज़म कोई ऐसी तहरीक आप चलाएंगे इनके खिलाफ कि ये जो है वो क्वैकरी ख़त्म हो और प्रोफेशनल और मुस्तनद डॉक्टर जो है वो आकर क्लिनिक करें और लोगों को जो है ट्रीटमेंट दें, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने प्रोग्राम किए हैं, मैंने पकड़ा भी है क्वैक्स को, तो वो ऐसे ऐसे लोग हैं मैंने देखा है कि या तो इनके हाथों पेशेंट की डेथ हो जाती है या गुर्दे फेल कर देते हैं, तो ऐसे वाक़ात बेशुमार हो रहे हैं लाहौर में, तो कोई मनज़म इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ सोचा है आपने? जी जी बिल्कुल, इसके लिए जी हमारे जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं वो अपने अपने टाउन्स में एंटी क्वैकरी कम्पेन करते हैं जी, और वो डिफरेंट क्लिनिक्स को जाके सील करते हैं, सील करने के बाद वो उनका केस जो है वो हेल्थ केयर कमीशन को भेज देते हैं। आगे से मियाँ साहब हेल्थ केयर कमीशन एक देखें जी, हमने एक चीज़ हेल्थ केयर कमीशन में भेज दी, अब वो हेल्थ केयर कमीशन ने आगे से डिसाइड करना है उसको खोलना है नहीं खोलना, उसको जुर्माना करना है नहीं करना, ये सारा फिर आगे हेल्थ केयर। लेकिन डॉक्टर साहब एक जो है क्वैक जी जी उसको तो बंद करना चाहिए सील करने के बजाय, वो कैसे दोबारा आ सकता है? एक तो चलो प्रोफेशनल डॉक्टर हो गया जी जी, उसने MBBS की और MBBS की है, उसने उसकी डिग्री है तो वो कर सकता है क्लिनिक, लेकिन एक क्वैक जो है वो अंडर मैट्रिक या ग्रेजुएट या वो पढ़ा ही नहीं है, उसने काम सीखा जिस तरह मोटरसाइकिल का काम सीखते हैं मैकेनिक का, इसी तरह ये मैकेनिक बने हुए हैं, तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन उनसे सवाल बनता है। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल तो उनसे भी मैं करूँगा, कई दफ़ा किए भी हैं, कि वो बंदा दोबारा क्यों आ जाता है, दोबारा उसको एक दफ़ा सील करते हैं तो फिर वो बना लेता है जी, बिल्कुल ऐसे ये क्यों होता है, क्या इनके लिए इनको जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है? मेरा ख्याल है जी हेल्थ केयर कमीशन के अलावा इन पे ना जी क्रिमिनल जो सर जी पर्चे देने चाहिए, FIR देनी चाहिए, ताकि ये आइंदा के बाद ना जी दोबारा वो वहाँ पर ना बैठे। अच्छा मैं कई दफ़ा मैं भी आपके DDOH के साथ प्रोग्राम करने गया हूँ, तो जो पब्लिक वहाँ पे होती है जो आवाम है वो भी जो है वो इनके साथ हो जाती है, हमें मारती है, यानी कि जो आपकी टीमें होती हैं बहुत सारी ऐसी जगह पर वहाँ पर DDOH जाना नहीं चाहते, क्योंकि आगे से तो वो उनको बहुत ज़्यादा वहाँ से जो है वो रिएक्शन मिलता है और मजामत लोग करते हैं तो भागना पड़ता है, तो क्या वजह है कि कमज़ोर है महकमा सर, कोई फोर्स बनाएं डॉक्टर साहब आप ताकि वहाँ पर इनको जाके सील करें? जी जी नहीं, हम इसके लिए जाते हैं जी, हम उसके अलावा हम जो इलाके का पुलिस स्टेशन है वहाँ से ये सब उससे अपनी हेल्प ही लेते हैं, लेकिन बात वही है कि जब तक हमारा जो आपने सिर्फ सील करना है और उसके बाद जो है वो इसको भिजवा देना है आगे जी मुतलका डिपार्टमेंट में। हाँ जी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में हमने जो भी करना है हमने करके उसकी सील करके उसकी चीज़ें वहाँ से इकट्ठी करनी है, उसकी सारी वहाँ से वो फुटेज वगैरह बना के हमने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भेज देना। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक हमारा इदारा है जिसने इसको रीओपन करना है या उसको आपका काम खत्म हो जाता है सील के बाद? हमारा जी यहाँ तक काम है जी, आगे आगे या तो आप हमें ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के तौर हमें FIR करने की इजाज़त दें ताकि हम खुद से FIR करा दें। ठीक है, है आप FIR भी नहीं करवा सकते? नहीं, अगर वो खुद खोलेगा तो हम जा अगर वो खुद ही तोड़ दे DC हाँ, तो फिर हम FIR करा सकते हैं, लेकिन बजाय तो वो जो FIR आप करवाते हैं वो कितनी मजबूत होती है?
वो तो सर कार्य सरकार मदाखलत है इस सिलसिले में आ जाती है, जमानत हो जाती है, अवेलेबल है कि नहीं? अवेलेबल हो जाती है जी, बिल्कुल। ठीक है, यानी कि अगर वो उन्होंने जमानत करवा लेनी है और फिर दोबारा जी, बिल्कुल। मैंने एक बड़ा, ये मेरा तकरीबन वो 10 मिलियन लोगों ने देखा, वो मैंने प्रोग्राम मैंने किया है इसी प्रोग्राम में, तो वो मुझे पता लगा कि सील किया हुआ है आपके DDOH ने, तो मैं वहाँ पे गया हूँ, तो वो उसने सील तोड़ के ना तोड़कर सील तोड़ी और वो वहाँ पे पेशेंट चेक कर रहा था। मैं वहाँ पे गया हूँ तो मैंने पूछा, जी बताएं आपने क्यों सील तोड़ी है? तो वो कहता, जी मैं आपको बताता हूँ, बाहर आए ज़रा, बाहर थोड़ा सा मैं आया हूँ, तो उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी, भाग गया वो। तो मैंने भी काफ़ी दौड़ लगाई पीछे, मैंने बार उसे पकड़ लिया, मैंने उसे कहना क्या था, मैं अथॉरिटी तो नहीं हूँ। इतनी देर में मैंने मुतलका DDOH को कॉल की, वो भी आ रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने बहरहाल बदतमीजी शुरू कर दी और फिर वो उसको छुड़ा लिया। मतलब ये है कि इन लोगों को मुनज़्ज़म जब तक नहीं करेंगे तो लाहौर में ये खात्मा नहीं हो सकता। एक सील करते हैं वो उसको छोड़ता है, वो दूसरी जगह बना लेता है, दूसरा सील करते हैं तीसरी जगह पर बना लेता है। तो मुनज़्ज़म जो है वो आपको चाहिए कि आप ये आला हकाम के नोटिस में लाएँ, कोई अच्छा सा कानून इसका जो है वो अच्छा सा कानून लेकर आए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तो है ही, आपको भी ज़्यादा अख्तियार मिलने चाहिए, आप समझते हैं वैसे? जी बिल्कुल, हम ये हमें अगर ज़्यादा अख्तियार मिलेंगे तो हम इसको बजाय इसके कि वहाँ पर जाए फिर उसके फैसला होने में टाइम लगे, तो हम उस पर फौरी तौर पर FIR कराएँ ताकि वो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत उस पर अमल दरामद हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आजाद मनीर साहब, आपने तफसीली डेंगू का बताया। मेरा ख्याल इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि टीमों को भी अंदर घर आने दें और क्या क्या चेक करवाना है वो भी, और ख़ास तौर पर जो आपने ऑनलाइन पोलियो सर्टिफिकेट का बताया है वो लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को बड़े परेशान थे। तो बहुत शुक्रिया एक मरतबा आपका। फिर नाज़िन आज के प्रोग्राम में आपको जो ख़ास बात तो यही है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट पोलियो का वो किस जगह से बनना है वो बताया, और इसके साथ साथ खुदारा डेंगू की जो टीमें आती हैं घर पर उनके लिए जो है वो आप सॉफ्ट कार्नर रखें, चेकअप करवाएं, या आप खुद ही जो है वो घर के अंदर ये सारी चीज़ें चेक करें ताकि जो है डेंगू का खात्मा हो सके। आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।